व्हाट्सअप गाइज, अभी आप लोगों ने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा ना, उसी टाइप की मैं आप लोगों को डबल रोल की वीडियो को एडिट करना आज की इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। और साथ ही गाइज ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप उस टाइप की वीडियो को शूट करेंगे, साथ ही गाइज एडिट करेंगे और एवरीथिंग जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो जो भी भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी इस टाइप की डबल रोल की वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर लेगा। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उस टाइप की वीडियो को कैसे शूट किया जाता है। तो उस टाइप की वीडियो को शूट करने के लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है गाइस ना, कि जब भी आप उस टाइप की वीडियो को शूट करें तो अपने जो फोन है, स्मार्टफोन है ना, उसे ट्राइपॉड पे आप लगा लीजिएगा और वहां से आप हिलाइएगा मत अपनी फोन को। और सबसे पहली वीडियो को गाइस आप कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके शूट कर सकते हैं, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, और कैमरे को आप कहीं पर भी हिलाइएगा मत, एक ही जगह से आप शूट कीजिएगा ट्राइपॉड पे रख के। और दूसरे वीडियो को भी ऐसे आप सेम ही ऐसे ही शूट कर लीजिएगा और दो वीडियो आप लोगों का शूट हो जाएगा। तो चलिए मैं एडिटिंग का काम बताता हूँ कि कैसे डबल रोल की वीडियो को एडिट किया जाता है। तो बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, मैं लिख के देता हूँ कि आप डबल रोल की वीडियो एडिटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप की डबल रोल की वीडियो को एडिट करने के लिए आपको VN ऐप की जरूरत पड़ने वाली है, और VN ऐप को आप प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, तो वहां से भी आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से आप लोगों को डाउनलोड करके सिंपल से इसे ओपन कर लेना होगा। देन दोस्तों, जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे साइड में प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेंगे, और प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। और वीडियो के शुरू में ही आपका भाई एक बात बताना चाहता है कि इस वाले वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो एक भी स्टेप को आप मिस कर देते हैं तो आप उस टाइप की डबल रोल की वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना होगा, आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, आपकी गैलरी यहां से ओपन हो जाएगी। तो वीडियो वाले सेक्शन में आपकी सारी वीडियो शो होने लगेगा, और आगे मैंने दो वीडियो को जो शूट करना बताया है उसी में से किसी एक वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल दोस्तों मैं इसी वीडियो को सिलेक्ट करके और नीचे साइड में तीर के आइकन पर क्लिक कर दूंगा, और तीर के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका ये वीडियो VN ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग का मेन टिप्स स्टार्ट होता है, यानी कि वीडियो को एडिट करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यूम वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी वैल्यूम को हम लोग पूरा 0% करके और राइट क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों आप इसके बाद आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को ना जो फालतू है इस वीडियो का उसे कट करके हटाना है। तो वो कैसे किया जाता है, चलिए आपका भाई बताता है। सबसे पहले आपको अपने वीडियो को चलाना होगा, और चलाने के बाद जहां से हम लोग फ्रेम में आएंगे, यानी कि वीडियो में जहां से हम लोग दिखना शुरू होंगे, देखिए यहां से मैंने गाइज आ रहा हूं, तो मैं जहां से भी आने वाला हूंगा देख सकते हैं, यहां से बस यहां से मैं अपनी वीडियो को लेकर चलाऊंगा, और आने के बाद नीचे साइड में आपको एक कैंची का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि स्प्लिट। तो इस पे गाइज हम लोग क्लिक कर देंगे, और कर लेने के बाद आपको पहले वाले पार्ट को सिलेक्ट करके नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिएगा। देन दोस्तों डिलीट कर लेने के बाद आपको ऐसे लास्ट में आना होगा, और लास्ट में आने के बाद जहां से मैं यहां से चल के जाता हूं, इससे पहले गाइज आपको एक और कट लगा देना होगा, यानी कि स्प्लिट के आइकन पे आपको अगेन क्लिक करके और इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करके इसे भी आप डिलीट कर दीजिए, और लास्ट में यहां पे ना VN ऐप का एक लोगो मिल जाता है, तो इसे भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। अब गाइस हम लोग का यहां पे फ्रेश वीडियो बचा है, और फ्रेश वीडियो बच जाने के बाद आपकी पूरी वीडियो तो कुछ इस टाइप से गाइस देखने को मिल जाएगी। और यहां पे अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे डबल रोल वाला, क्योंकि यहीं पे गाइस मेन टिप्स है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होगा ना, आपको यहां पे प्लस का आइकन मिलेगा एक, यह वाला, यह वाली प्लस के आइकन पे क्लिक करके और यहां पे वीडियोज एंड फोटोज वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो वाले सेक्शन में गाइस आप ना उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा जो कि आपने दूसरे वीडियो को शूट किया। तो मैं यहां पे दूसरे वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं, और करने के बाद सिंपल से गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां से कुछ भी नहीं करना होगा गाइस, बस आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा। आपको नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और ऐसे हम नीचे साइड में स्क्रॉल करते ही ना आप लोगों के सामने यहां पे एक फील का ऑप्शन मिलेगा या फिट का, तो फील वाले आइकन पे आप कर दीजिएगा, और फील वाले आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद आप अपने वीडियो को ना, ऐसे तो आपका वीडियो सिलेक्ट ही होगा, तो आप लोगों को ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और इसके भी वैल्यूम के आइकन पे क्लिक करके इसके भी वैल्यूम को हम लोग 0 कर देंगे। अब मैं वीडियो को चलाता हूं, देखिए गाइज अभी ये वाला दूसरा वाला वीडियो हम लोगों का है, और वीडियो देखिए यहां से मैंने आ रहा है,
आ रहा हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा आगे आके मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा, और यहाँ पे नीचे साइड में स्प्लिट के आइकन पे क्लिक करके और इस वाले वीडियो को हम लोग जो आगे वाला पार्ट है इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और अपने फिंगर से इसे होल्ड करके ना ऊपर वाले वीडियो को होल्ड करके आप रखिएगा, और ऐसे इसे रगड़ के ना आगे लेकर आइएगा। रगड़ के आगे लाने के बाद आपकी पूरी वीडियो कुछ गाइस इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं वीडियो को चलाता हूँ तो देख सकते हैं हम लोग का दूसरा वीडियो ही दिख रहा है, यहाँ पे नीचे वाला वीडियो नहीं दिख रहा। तो गाइस यही होता है मेन टिप्स। तो आप लोगों को ऊपर वाले वीडियो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और स्क्रॉल गाइस ऐसे आप करके एक लास्ट में जाइएगा, आप लोग के सामने एक मास्क का ऑप्शन मिलेगा। तो मास्क वाले गाइस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को सिंपल से यहाँ से लीनियर वाले पे क्लिक कर देना होगा, और लीनियर वाले पे क्लिक कर लेने के बाद आपको सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइस आप लोगों को अपने दोनों फिंगर से ऐसे पकड़ के ऐसे इसे रोटेट करके बराबर कर लेना होगा, और गाइस इसे बराबर कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसे वीडियो को आगे बढ़ाना होगा, और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे ना बीच साइड में एक डॉट मिलेगा, और डॉट के साइड साइड में आपको तीर मिलेगा। तो ऐसे आप तीर पे गाइस थोड़ा सा होल्ड करके और इसे आप ऐसे फैला दीजिएगा अच्छे तरीके से गाइस, इसे आप फैला दीजिएगा, जिससे ये होगा गाइस ना कि आपका वीडियो ना इसी में मर्ज हो जाएगा और देखने में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, और काफी प्रोफेशनल लेवल की डबल रोल की वीडियो एडिटिंग आपकी हो जाएगी। तो ऐसे गाइस आपको कर लेने के बाद सिंपल से थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से फैला लेता हूँ, और फैलाने के बाद आपको सिंपल से ना यहाँ से नीचे साइड में ना थोड़ा सा इसे थोड़ा सा अच्छे कर लेता हूँ और राइट क्लिक कर दूंगा। और राइट क्लिक कर लेने के बाद मैं वीडियो को चला के दिखाता हूँ कि आप लोगों की पूरी वीडियो कुछ टाइप से बना है। तो लीजिए गाइज मैं वीडियो को यहाँ पे चला देता हूँ, और आप लोगों का पूरा वीडियो कुछ इस टाइप से गाइज एडिट होके आ जाएगा, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो गाइज ऐसे आप करके अपनी वीडियो को डबल रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कंप्लीट एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। इसमें भी एक टिप्स है गाइज, आपको लास्ट वाले पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे ही से कर लेना होगा बराबर दूसरे वीडियो के बराबर, और कर लेने के बाद वीडियो तो आप लोगों का एडिट हो चुका है। लेकिन गाइज अगर आप इस वीडियो को फुल HD में सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाता है, चलिए आपका भाई बताता है। ऊपर साइड में डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहां से आप रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे ना 4K कर लेता हूं, और कर लेने के बाद यहां पे 60fps पे रख के और राइट क्लिक कर दूंगा, और मैं हम लोगों का ये वाला वीडियो ना गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।